इच्छा मृत्यु की मांग। 18 माह का वेतन नहीं मिला तो आदिवासी पटवारी ने मांगी इच्छा मृत्यु। सर पर लाखों का कर्ज, पैसे के अभाव में बीमार मां का इलाज भी नहीं हो पा रहा। कलेक्टर एसडीएम से गुहार भी नहीं आया काम। देश के राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु। आदिवासी ब्लॉक के एक आदिवासी राजस्व पटवारी ने देश के राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। मैनपुर ब्लॉक के उरमाल और कांडे केला राजस्व हल्का में पदस्थ पटवारी तिलक सिंह शांडिल्य को बीते 18 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। तिलक का कहना है बीमार की स्थिति में कुछ दिनों तक छुट्टी में था। छुट्टी समाप्ति के बाद उसने कार्य पर ज्वाइनिंग लिया, पर उसने उसका वेतन नहीं मिल रहा है। परिवार चलाने और अपने इलाज के लिए बाजार से लाखों का कर्जा लिया है। अब कर्ज देने वाले तकाजा कर रहे हैं, वेतन नहीं मिलने के कारण वो न कर्ज चुका पा रहा है। खस्ता हालात के कारण बीमार माँ का इलाज भी नहीं करा पा रहा है। इन सब परेशानियों के कारण पीड़ित पटवारी ने देश के राष्ट्रपति से अपनी इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। आदिवासी पटवारी ने कई बार स्थानीय अपने विभागीय अधिकारियों से वेतन की गुहार लगाई, कलेक्टर से भी गुहार लगाई। कलेक्टर के निर्देश के बाद भी उसका वेतन नहीं मिला तो थक हार कर पटवारी ने इच्छा मृत्यु के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ विजन टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं जयविलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं गरियाबंद जिले के अंतिम छोर देवभोग विकास खंड के मुंगझर गांव में मौजूद हैं। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार आदिवासियों की हित की बात करती है, वहां पर एक आदिवासी कर्मचारी प्रशासन की, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के रवैयों को लेकर प्रताड़ित है। और वहाँ पर देखना होगा कि एक आदिवासी जो कर्मचारी पटवारी पद पर पदस्थ है, ऐसा एक जो कर्मचारी है वो अपनी इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है, राष्ट्रपति से ये मांग कर रहा है कि उसे या तो वेतन दी जाए या तो फिर इच्छा मृत्यु की स्वीकृति मिल जाए, ये मांग उसने रखी है। आखिरकार क्यों उस युवक को, आदिवासी युवक को ये मांग रखनी पड़ी, अपनी मृत्यु की मांग रखनी पड़ी, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त मौजूद हैं हम उनके पास, उनसे बात करना चाहेंगे। जी बताएंगे कि आपको यहाँ के स्थानीय प्रशासन से क्या प्रॉब्लम था, किस वजह से आपने वहाँ राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है? सर वैसे तो मैं जो आवेदन किया था वो आप लोग को तो पता चल गया है। वैसे मैं देवूबालक का निवासी हूँ और मैनपुर ब्लॉक में पटवारी पद पर हूँ, और पिछले स्वास्थ्य ठीक होने के बाद 18 महीना हो गया है मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरे को पेमेंट वगैरह नहीं मिल रहा है, जिसमें से मेरा जीवन यापन या जो बीमार में जो खर्च हुआ था, आप कर्जेदार परेशान कर रहे हैं, ये बहुत सारी बातें हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक वगैरह प्रॉब्लम होने के कारण। अब इसीलिए मैं थक हार चुका हूँ, जो भी मैंने कोशिश किया, इसलिए अब मेरे पास लास्ट चारा था कि इसलिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को मैंने ये आवेदन किया है, जो आपको तो आपके पास है पता चल गया है, उसमें मैंने सब कुछ लिख दिया हूँ, या तो मेरा पेमेंट दिया जाए या तो इच्छा मृत्यु, बस यही बात है। ये स्थानीय प्रशासन, ये वही पटवारी है, ये वही छोटे कर्मचारी हैं जो जिन्होंने अपने वेतन को लेकर एक तरफ जहाँ राष्ट्रपति को आवेदन किया है और राष्ट्रपति से मांग की है, इच्छा मृत्यु की मांग की है। देखना होगा कि अब सरकार प्रशासन इसको कितने वजन में लेती है और कितना इस पर जो है काम करती है, इसके निराकृत करती है, ये देखने वाली बात होगी। जय विलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी, गरियाबंद। गरियाबंद से जय विलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।